गाइस, वेलकम यू टू आवर चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th 9th पार्ट। सो हियर इट इज गाइस, इसको शुरू करते हैं LHS से। तो गाइस, इसमें आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि यहाँ इस पार्ट LHS सॉल्व करके एक आंसर आएगा जो कि फर्दर मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, तो हमें RHS को भी सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। और ये NCERT में एक हिंट भी दे रखा है, सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। कोसिकेंट ए, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 1/sin A माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए 1/cos A माइनस cos A। ओके, नेक्स्ट स्टेप साइन ए LCM हो जाएगा, वट विल बी देयर 1 - sin² a अपॉन साइन ए एंड हेयर cos A LCM 1 - cos² a अपॉन cos A। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1। अब गाइस, एक ही आइडेंटिटी से तीन तीन आइडेंटिटी बन सकती हैं। कैसे? अब यहाँ से बन सकता है cos² a इक्वल टू 1 - sin² a, या फिर sin² की वैल्यू निकालनी है तो 1 - cos² a, और यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। सो हेयर 1 - sin² a cos² a, यू कैन राइट हेयर cos² a अपॉन साइन ए इंटू 1 - cos² a हेयर sin² a, यू कैन राइट sin² a अपॉन cos A एज इट इज। ओके, साइन ए एक कट जाएगा, अब साइन ए इंटू cos रह गया, साइन ए इंटू cos A। नाउ वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, नाउ वी हैव टू सॉल्व RHS। ओके, सो कमिंग टू RHS, RHS में है 1/tan A प्लस cot A। अब लिख सकते हैं हम 1/tan A, वी कैन राइट sin A बाई cos A एंड cot A वी कैन राइट cos A बाई sin A। ओके, नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 1/sin LCM हो जाएगा sin² a प्लस cos² a अपॉन sin A इंटू cos A। हेयर sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1, दैट वी नो। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1/sin² a इंटू प्लस cos² a एंड ये नीचे से ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होते समय साइन ए इंटू cos A। तो ये हो गया साइन ए इंटू cos A, नीचे 1 बन गया। सो हेंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हेंस प्रूव्ड। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।